तो वही बस्तर के दशहरे की शुरुआत कछान देवी की पूजा के बाद होती है। काछन देवी की अनुमति के बाद दशहरे का शुभारंभ होता है। काछन गुड़ी में ये परंपरा पिछले 700 सालों से चली आ रही है और इस परंपरा में पनका जाति की कन्या को कांटों के झूले पर बिठाया जाता है और लोगों का मानना है कि काछन देवी उस कन्या के शरीर में प्रवेश करके दशहरे के शुभारंभ की अनुमति दी। इस साल भी इस परंपरा को पनका जाति की कन्या अनुराधा ने निभाया। अनुराधा इस परंपरा को पिछले 3 सालों से निरंतर निभाती चली आ रही है। हमारे महाराजा पुरुषोत्तम देव जो कि दंड आचरण करके पूरी गए थे, उन्होंने रथपति की उपाधि मिली थी, उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है जिसमें कि काचन और रैला माता की यहाँ पूजा अर्चना होती है। दोनों प्रिंसेस रहीं बस्तर स्टेट की, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था क्योंकि उस समय मुगलों ने एक बार कैप्चर करने की कोशिश करी थी, तो वही दोनों की पवित्र आत्माएँ जो हैं वो दो बच्चियों के ऊपर आती है, काचन और रैला।